हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स मिराकल। आज हमें प्रूफ ऑफ ई बराबर एम सी स्क्वायर यानी कि आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन को हमें प्रूफ हेरने छो। ई बराबर एम सी स्क्वायर तो आइंस्टाइन को और को इक्वेशन वी हैव फ्रॉम आइंस्टीन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन। आइंस्टाइन को रिलेटिविस्टिक इक्वेशन बाटा हमें था एम इक्वल टू रेस्ट मास डिवाइडेड बाय रूट अंडर वन माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। एम इज एम नट भन्न को अर्थ रेस्ट मास भी भन्न को अर्थ वेलोसिटी अफ जे को भाई ऑब्जेक्ट को भाई वेलोसिटी को आ सी भन्न को अर्थ के भाई वेलोसिटी अफ लाइट भाई। तो एम इक्वल टू एम नट बाई रूट अंडर वन माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस मल्टिप्लाई करे एम नट इक्वल टू एम इंटू रूट अंडर वन माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर भैया। तो हम के स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड दुबई तीर हमें स्क्वायर कर दिनु स्क्वायर करे एम नट को स्क्वायर कति हो एम नट स्क्वायर भैया यो एम स्क्वायर इंटू वन माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर भैया वन माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ते पच्छे और एम नट स्क्वायर इजकल टू एम स्क्वायर इंटू अब सी स्क्वायर और वन को एल्सियम कति भाई सी स्क्वायर भाई तो सी स्क्वायर माइनस भी स्क्वायर भैया। एम नॉट स्क्वायर इजकल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर फरक फरक में मल्टिप्लाई एम स्क्वायर भी स्क्वायर डिवाइडर बाई कति भैया सी स्क्वायर भैया। अब सी स्क्वायर ये तान दी तो एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर भी स्क्वायर ये भैया। ते पच्छी अब ये इसलिए यान दी तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर भी स्क्वायर इजकल टू कति भैया एम नॉट स्क्वायर सी भैया एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर भी स्क्वायर इजकल टू एम नॉट सी स्क्वायर। अब एक पूरा तान दिने एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर भी स्क्वायर माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर एक तान सकता यो इक्वेसन कति भैया फर्स्ट इक्वेसन भैया फर्स्ट इक्वेसन भाई। अब इस हमें के डिफ्रेन्सिएट कर डिफ्रेन्सिएटिंग डिफ्रेन्सिएटिंग हामीले के गर्छ यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्छ डिफ्रेन्सिएट गरेपछि एम स्क्वायर कति हुन्छ 2m आ सी को डिफ्रेन्सिएट गरेपछि कति हुन्छ 0 भइहाल्छ सी भन्नुको अर्थ कन्स्टन्ट हो त्यो dm भयो आ माइनस यो के भइहाल्यो एम स्क्वायर भी स्क्वायर छ त पहिला m को डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो भने 2m भी स्क्वायर डीएम आ त्यसपछि भी को डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो भने 2v इंटू यो एम स्क्वायर भाई भी को डिफ्रेन्सिएट करे डीभी हो माइनस एम नट पनि कन्स्टेन्ट हो सी कन्स्टेन्ट हो ते भएर इसको डेरिवेटिव कति हुन्छ 0 हुन्छ कन्स्टेन्ट को डेरिवेटिव कति भइहाल्छ 0 भइहाल्छ। त 2m सी स्क्वायर डीएम माइनस 2m भी स्क्वायर डीएम प्लस 2v एम स्क्वायर डीभी माइनस 0 इक्वल टू 0 भइहाल्छ। त्यसपछि हामी यसलाई के गर्छौ माइनस साइन ले मल्टिप्लाई गर्दिन्छौ 2m सी स्क्वायर डीएम माइनस 2m भी स्क्वायर डीएम आयो प्लस माइनस माइनस 2v एम स्क्वायर डीभी बराबर 0 भइहाल्छ। अब यसपछि हामी के निकाल्न सक्छौ सम मा 2m कमन छ सम मा 2m मिलेर आएछ भनेको हामी के गर्न सक्छौ 2m इजिली कमन लिन सकिन्छ त 2m कमन लिएपछि कति भइहाल्छ यो सी स्क्वायर डीएम भइहाल्छ माइनस 2m गइहाल्छ भने भी स्क्वायर डीएम माइनस 2m कमन भएपछि कति आइहाल्छ भीएम यानी कि एमभी भइहाल्छ डीभी इक्वल टू 0 भइहाल्छ। यसलाई हामी मिलाएर लेख्न सक्छौ सी स्क्वायर डीएम माइनस भी स्क्वायर डीएम माइनस एमभी डीभी बराबर 0। अब के गर्न सक्छौ सी स्क्वायर डीएम बराबर हम इजिली लेख्न सक्छौ एक यसलाई यतातिर इक्वल टू साइन को यतातिर पठाएर हम के गर्न प्लस में हम इजिली लेख्न सक्छौ यानी कि भी स्क्वायर कति भइहाल्छ डीएम प्लस एमभी डीभी भइहाल्छ यो इक्वेसन हमी 2 मान दिन्छौ के हुन्छ सी स्क्वायर डीएम को सट्टा हम कति लेख्न सक्छौ भी स्क्वायर डीएम प्लस एमभी डीभी हम इजिली लेख्न सक्छौ। त्यसपछि हामीलाई थाहा छ वी हैव फ्रम द न्यूटन सेकेंड ल अफ मोशन वी हैव फ्रम द न्यूटन्स सेकेंड ल अफ मोशन न्यूटन को सेकेंड ल बाट के हामीलाई थाहा छ न्यूटन सेकेंड ल ले के भन्छ द रेट अफ चेंज अफ लिनियर मोमेन्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड यानी कि हामी के लेख्न सक्छौ एफ इक्वल टू के लेख्न सक्छौ रेट अफ चेंज अफ लिनियर मोमेन्टम
rate of change of linear momentum where p is the linear momentum. The linear momentum is product of mass and velocity. The d by dt. अब p को साइड में हम कति लेख्न सक्छु mv लेख्न सक्छु किनकि linear momentum अनुपात के हो product of mass and velocity of a body is called linear momentum. तो f बराबर कति भयो d by dt mv भयो. अब यसलाई हामी के गर्छौ d by dt चाहिँ हामी डिफरेंशिएट गर्न सक्छौ. त डिफरेंशिएट गरेपछि के भइहाल्छ एउटा हामी v कन्स्टन्ट लिएपछि डिफरेंशिएट गर्नु पर्यो भने dm by dt आ प्लस एकचोटी m लिएपछि डिफरेंशिएट गर्नु पर्यो भने dv by dt भइहाल्छ. त f इक्वल टु कति भइहाल्यो f इक्वल टु भइहाल्यो v dm by dt प्लस m dv by dt भइहाल्यो. ठीक छ. अब यो इक्वेसन यसलाई कति मान्दिन्छ तीन इक्वेसन मान्दिन. ठीक छ. त्यसपछि अल्सो वी ह्याव हामीलाई के थाहा छ वी ह्याव काइनेटिक इनर्जी बराबर के हुन्छ वर्क डन को फर्मुला के भइहाल्छ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट भइहाल्छ जुन फोर्स को भ्यालु हामीलाई थाहै छ द विथ फ्रम इक्वेसन थर्ड. अब इक्वेसन थर्ड बाट हामी के गर्छौ एफ को भ्यालु पुट गर्दिन्छौ फ्रम इक्वेसन थर्ड डीई बराबर कति भइहाल्छ एफ इन्टु डीएस त एफ को भ्यालु भी डीएम बाइ डीटी प्लस एम डीभी बाइ डीटी इन्टु के भइहाल्छ ds भइहाल्छ इन्टु ds भइहाल्यो v dm by dt plus m dv by dt into ds भइहाल्यो. त्यसपछि अब के गर्छ v dm by dt अब यो पूरामा मल्टिप्लाई मा हो भने अलग-अलग हामी सेपरेट गरेर इजिली मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ त इन्टु ds भइहाल्यो plus m into dv by dt into के भइहाल्यो ds भइहाल्यो हामी इजिली गर्न सक्छौ यसरी. त्यसपछि हामीले के गर्नु छ v into अब यो dm into ds छ त ds by dt लेख्न सकिन्छ ds by dt into त dm लेख्न सकिन्छ त्यस्तै m into ds by dt into dv इजिली लेख्न सकिन्छ. ठीक छ. ल अब s के हो s भन्नुको डिस्प्लेसमेन्ट भयो s के भयो डिस्प्लेसमेन्ट द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट भन्नुको के भइहाल्छ भेलोसिटी भइहाल्छ. रेट अफ चेन्ज अफ डिस्टेंस के भइहाल्यो डिस्टेंस अथवा डिस्प्लेसमेन्ट के भइहाल्यो त भेलोसिटी भयो. त रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट के भइहाल्छ भेलोसिटी त v into v भइहाल्छ into dm भयो plus m into v into dv भयो. त त de बराबर कति भइहाल्छ d को भ्यालु हामी काइनेटिक एनर्जी कति आइहाल्छ v स्क्वायर dm plus mv dv आइहाल्छ. त यसलाई इक्वेसन हामी कति मान्दिन्छौ फोर इक्वेसन मान्दिने. त de बराबर कति भ्यालु v स्क्वायर dm plus mv dv आइहाल्यो. अब हामीलाई थाहा छ इक्वेसन सेकेन्ड बाट c स्क्वायर dm = v स्क्वायर dm plus mv dv भन्नुको दुईटै इक्वेसन मिलिरहेछ त इक्वेटिङ इक्वेसन 2 एन्ड 4 त यानि के भइहाल्यो फ्रम इक्वेसन्स 2 and 4 ल दुईटा इक्वेसन बाट 2 र 4 इक्वेसन बाट यो टर्म्स त्यसपछि यो टर्म्स दुईटै टर्म्स मिलिरहेछ हामी के लेख्न सक्छौ त c स्क्वायर dm बराबर कति लेख्न सकिन्छ यहाँ d छ d लेख्न सकिन्छ इजिली हामी लेख्न सक्छौ c स्क्वायर dm बराबर कति लेख्न सक्छ d लेख्न सक्छौ. ल यसलाई मैले मिलाएर लेखिदिराछु त de बराबर कति भइहाल्छ c स्क्वायर dm भइहाल्छ. अब यसलाई इन्टिग्रेटिङ गर्दिनु छ इन्टिग्रेटिङ गर्दिनु छ ल कति लिमिट सम्म 0 देखि ई लिमिट सम्म इन्टिग्रेसन गर्दिनु छ डी भयो इक्वल टु सी स्क्वायर कन्स्टन्ट को त कन्स्टन्ट को इन्टिग्रेसन यो बाहिर निकाल दिए सी स्क्वायर भयो. त्यसपछि यो के भयो एम नट देखि लिएर एम सम्म डीएम को इन्टिग्रेसन एम नट देखि लिएर एम सम्म इनके रेस्ट मास देखि लिएर कति हो त्यसको फाइनल मास सम्म एम सँग इन्टिग्रेसन हामीलाई गर्दिनु छ. त्यसपछि इन्टिग्रेसन गरेपछि कति हुन्छ यसको ई आउँछ त ई इक्वल टु कति भइल्छ सी स्क्वायर एम माइनस कति हुन्छ एम नट हुन्छ त रेस्ट मास एम नट को भ्यालु कति हुन्छ रेस्ट मास मा 0 हुन्छ रेस्ट केस मा मास कति हुन्छ 0 हुन्छ. तो यो कति भयो ई इक्वल टु कति बाचियालो c स्क्वायर m भइहाल्यो. अत यसलाई मैले मिलाएर लेख दिन्छु त e बराबर कति भइहाल्छ mc स्क्वायर भइहाल्छ. दिस इज द प्रूफ अफ आइन्स्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन. हेंस आइन्स्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन दैट इज e बराबर mc स्क्वायर प्रूफ. एकचोटी अझै हेर्लिन्छु त e बराबर के हुन्छ mc स्क्वायर हामीलाई प्रूफ गर्नु छ. तो वी हैव फ्रॉम आइंस्टीन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन बाट हामीलाई थाहा छ m इक्वल टु m नॉट बाय रूट अंडर 1 माइनस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर हुन्छ. त m नॉट इक्वल टु क्रॉस मल्टिप्लाई गरेपछि m नॉट इक्वल टु कति भइहाल्छ m इन्टु रूट अंडर 1 माइनस b स्क्वायर बाय c स्क्वायर भइहाल्छ. त्यसपछि स्क्वायरिंग अन बोथ साइड दुईटै तिर स्क्वायर गरेपछि के हुन्छ m नॉट स्क्वायर इक्वल टु m स्क्वायर इन्टु 1 माइनस यो रूट छ भने रूट को स्क्वायर कति भइहाल्छ रूट हटिहाल्छ.
1 minus b square by c square by l. So m not square is equal to m square. I use like about cross multiply. I am going to solve LCM here. So c square minus b square divided by kati bhai c square bhai. So m not square equal to abe isma multiply separate separate going to solve. So m square c square minus m square b square divided by c square. Aba c square divide ma hobe netati ra multiply ma aiyal cha. So m not square c square is equal to m square c square minus m square b square. Aba isla etati ra taner isla utati ra pathai diye kahi farak pardai na. M square c square minus m square b square equal to m not square c square. तो m square c square minus m square b square इसलाई इता तीर ताने पछे minus भाई आलचा, तो m not square c square equal to 0 equation first मान दी इसलाई, तो इस पछी जसलाई differentiate कर दें, तो differentiate करे पछी m square को differentiation, कहती हुँचा 2m हुँचा, c square के हो, constant into dm product to lagaye pachi feri hamile c square ko differentiate garnu pare bhane to c ko value ke bhai halcha differentiation constant ho aniko 0 bhai halcha te jo term maile chhod diye chu tespachi m square v square ko differentiation nikalnu paryo ta m square ko differentiation kati huncha 2m huncha dm huncha into v square bhayo teste v square ko nikalnu pare bhane 2v into m square dv bhayo a feri m pani constant ho m not pani constant ho c pani constant ho duitai constant ho tei bhayera ke huncha duitai ko integration kati bhai halcha differentiation kati huncha 0 huncha te equal to 0 bhai halcha र 2mc स्क्वायर dm यसलाई मैले अब माइनस साइनले मल्टिप्लाई गर्दिए माइनस साइनले मल्टिप्लाई गरेर त्यसपछि दुईटैमा 2m 2m सबमा तीनटैमा कॉमन मिलिराछ त तीनटैबाट 2m झिकेर उता के गर्दिए 0 बाट डिवाइड गर्दे 0 डिवाइडेड बाइ 2m कति भइहाल्छ 0 नै भइहाल्छ त c स्क्वायर dm माइनस v स्क्वायर dm माइनस vm dv भइहाल्यो त c स्क्वायर dm माइनस v स्क्वायर dm माइनस mv dv इक्वल टु 0 यसलाई मैले मिलाएर लेख्दि एतातिर पठाएर त c स्क्वायर dm को भ्यालु कति आयो v स्क्वायर dm प्लस mv dv यो के को भइहाल्यो c स्क्वायर dm को भ्यालु भइहाल्यो जसलाई इक्वेसन मैले 2 मान दिए त्यसपछि वी हैव फ्रॉम द न्यूटन सेकेन्ड लॉ अफ मोशन लिखे भन्छ द रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टु फोर्स अप्लाइड दैट इज f इक्वल टु dp dt हुन्छ रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टु फोर्स अप्लाइड हुन्छ त इक्वल टु d dt p इक्वल टु कति हुन्छ प्रोडक्ट अफ मास एन्ड वेलोसिटी अफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेन्टम त mv लेख्न सकिन्छ अब यसलाई प्रोडक्ट रूल लगाएर के गरे मैले डिफरेंशिएट गर्दिए के लगाएर प्रोडक्ट रूल लगाएर त f इक्वल टु v dm / dt + m dv / dt भइहाल्यो अब अल्सो वी हैव de इक्वल टु के भइहाल्छ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु वर्क डन हुन्छ वर्क डन को फर्मुला के हुन्छ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ त फ्रम इक्वेसन सेकेन्ड अब डिस्प्लेसमेन्ट को ds को f को भ्यालु हामीलाई थाहा छ त f को भ्यालु म उठाएर राख दिन्छु इन्टु ds भयो अब ds भयो भने ds सेपरेट सेपरेट मल्टिप्लाई हामी गर्न सक्छौ किनकि यो कोस्ट मा छ मल्टिप्लाई मा छ पुरा मा त हामी सेपरेट मल्टिप्लाई गर्न सक्छौ त मल्टिप्लाई गरे पछि के हुन्छ ds / अब यो dm र ds छ इन्टु मा छ त यसलाई यतातिर हाल्न सक्छु यसलाई यतातिर हामी इजिली गर्न सक्छौ चेन्जेबल गर्न सक्छौ त v ds / dt into dm भयो प्लस m ds / dt into dv भयो त अब हामीलाई थाहा छ भेलोसिटी को फर्मुला के हुन्छ भेलोसिटी इज द रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ त ds / dt को सट्टामा कति लेख्न सक्छौ हामी v लेख्न सक्छौ into dm भयो आ mv dv भयो अब यसलाई यो v स्क्वायर dm भइहाल्यो mv dv यो केको फर्मुला आइहाल्यो e को फर्मुला आइहाल्यो अब e de इक्वल टु के आइहाल्यो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टु v स्क्वायर dm प्लस mv dv काइनेटिक एनर्जी को आइहाल्यो अब यो इक्वेसन दुइटै इक्वली छ यो इक्वेसन र यो इक्वेसन दुइटै मिलिरहेछ भने हामी c स्क्वायर dm को बराबर कति de लेख्न सक्छौ c स्क्वायर dm बराबर d फ्रॉम इक्वेसन 2 एंड 4 अब de इक्वल टु कति भयो मैले मिलाएर लेख दिए d बराबर c स्क्वायर dm भयो अब इन्टिग्रेसन गर्नु छ 0 देखि e सम्म 0 देखि e सम्म d को इन्टिग्रेसन त्यसपछि c स्क्वायर कन्स्टन्ट हो बाहिर आइहाल्यो त्यसपछि यो dm को इन्टिग्रेसन कहाँ देखि रेस्ट मास देखि फाइनल मास सम्म यानी कि m नट देखि m सम्म इन्टिग्रेसन गर्दिनु छ त इक्वल टु कति भयो c स्क्वायर अब dm को इन्टिग्रेसन m भयो त m को कति m नट देखि लिएर m सम्म को त m - m नट भइहाल्यो त रेस्ट मास को भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ त्यही भएर के हुन्छ यो m नट बराबर 0 भइहाल्छ त c स्क्वायर m भयो यसलाई मैले मिलाएर लेख दिए e बराबर mc स्क्वायर प्रुभ भयो दिस इज द आइन्स्टाइन मास इनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव्ड भाई ओके थैंक यू